मौसम देखें यार, यहाँ का बादल कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कमाल का मौसम है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। आज मेरा कश्मीर में दूसरा दिन है। रात को नींद इतने मज़े की आई, रज़ाई रख के सोए थे, और रज़ाई रख के सोने का मतलब है कि यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि कितनी ठंड है दौखन में। थकावट बहुत हो चुकी थी। एक दिन पहले भी जब हम लोगों ने इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया तो उस रात भी नहीं सोए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दौखन पहुँचे और पूरा दिन घूमते फिरते रहे, तो रात को थकावट इतनी हो चुकी थी कि बस बिस्तर मिलने की देर थी, तो बस रात का खाना खाया और सो गए। तो आज सुबह जो है तकरीबन 8 बजे उठे हैं। अब नेक्स्ट प्लान यहाँ पे ये है कि अभी नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद लीपा वैली जाने का प्रोग्राम तो जो है वो हो गया पोस्टपोन। तो दौखन के पास ये एक शेर गली है, वहाँ जाएंगे। लोकल से कहना है कि बहुत अच्छा स्पॉट है, पक्की रोड जाती है, तो आज देखते हैं वो कैसा स्पॉट है। दौखन से ये रोड जा रही है आगे, और इस पहाड़ को क्रॉस करते हुए सामने वाले पहाड़ पे सीधा, वो सीधा अब जो है ना जाके रेशियाँ मिलेगी। तो अभी जो है पहले नाश्ता करते हैं, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। हम लोग जा रहे हैं शेर गली, दिन हमने वहीं पे स्पेंड करना है, और अगर जगह अच्छी लगी तो हमने वहाँ पे बारबेक्यू करना है, और बारबेक्यू के साथ साथ हमने खाना भी दिन का वहीं खाना है। अब ये जगह पे डिपेंड करता है कि वो जगह है कैसी। हमें यहाँ पे एक टिपिकल जो गांव की दुकान होती है वो नज़र आई, तो हमने गाड़ी रोकी और सोचा कि यार इस दुकान की क्यों ना एक शॉट ले लिया जाए। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम देखें यार, यहाँ का बादल कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कमाल का मौसम है यहाँ पर इस टाइम पर। और शेर गली के हम रास्ते में यहाँ पे रुके, लेकिन मौसम कमाल का यार, बादल देखें कैसे ऊपर आ रहे हैं। ऐसा मौसम मैंने मरी में भी नहीं देखा, ना रान का गान में कभी ऐसा मौसम देखा। हम लोग शेर गली पहुंच चुके हैं, यहाँ पे धुंध इतनी है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अब किसी ने बताया कि ऊपर बहुत अच्छा मैदान है, लेकिन लगता ही है कि वहाँ भी हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, और बस अब ऊपर जा रहे हैं। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमें यहाँ के लोकल्स मिले, इनसे पूछते हैं इनका घर किधर है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? बोल दो यार, कुछ नहीं होता है। अकीद? अच्छा, आपका क्या नाम है? गजनफर। अच्छा, तो कहाँ रहते हो? वादी लीपा। लीपा में? अच्छा, लीपा यहाँ से कितना दूर है? 2-3 किलोमीटर। लीपा 2-3 किलोमीटर है बस? फिर तो साथ ही है। लीपा? लीपा उधर है। लीपा उधर है ना, साइड से सड़क भी जाती है। अच्छा, तो इधर क्या, इधर कहीं रहते हो पास? हाँ, इधर ही ऊपर टॉप पे। टॉप पे घर वगैरह बनाया है? अच्छा,
मैं यहाँ नीचे से आया हूँ, यहाँ नीचे से। अभी नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे क्या पोजीशन है नीचे, कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है। इतनी धुंध है यहाँ पर इस टाइम पर, धुंध बादल है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यहाँ पर। आज का लगता है ये सही सीन नहीं रहा। मैं सोचा था कि शायद ऊपर क्लियर होगा, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आग जल जाए। लगता है कुछ लोग पहले जला के गए हैं यहाँ पर, तो उसी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जल जाए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और आग जलना, जल जाए तो मसला नहीं है, जलना ही मुश्किल है यहाँ पर। जली है आग हमीद भाई? हाँ, बस कोशिश कर रहे हैं, लगता नहीं है। सारे बच्चों की हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं कि यहाँ पर जो जो छोटी छोटी लकड़ियाँ मिले या शॉपर मिले वो ले के आएँ, ताकि जो है ना आग जलाई जा सके। बड़ा बेटा, ठंडे इलाकों में ना भूख बहुत लगती है। शुक्र है हम लोग साथ ना चिकन कढ़ाई बना के लेके आए थे। बारबेक्यू के लिए आग जलना तो मुश्किल नज़र आ रहा है, तो अब लग रही है भूख। अभी कुछ खाते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। आखिरकार हामिद भाई ने ना आग जला ली और अब लगता है कि हमारा बारबेक्यू यहाँ पे हो जाएगा। करीब से इसलिए बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड आवाज़ ठीक हो जाए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर और अभी आग जो है जल चुकी है प्रॉपर। अब हम इस पर करेंगे बारबेक्यू, बारबेक्यू फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पे जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और आखिरी मराइल में हमने सीखें भी बना ली, जो हमने खाना साथ लेके आए थे वो भी खा लिया। और अब ये है हम कोयलों पे चाय बना रहे हैं और ये चाय का रंग देखें यार। अब हमारा यहाँ से वापसी का टाइम शुरू हुआ है, तो सारे व्यू ही क्लियर हो गए। अब आपको दिखाते हैं यहाँ की जो ब्यूटी है। आज का शेर गली का व्लॉग हम बादलों में एंड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।